छतरपुर जिले में पथराव कांड के मामले में जिला पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस एसपी आगम जैन ने मुख्य आरोपी हाजी शहजाद अली सहित अन्य फरार आरोपियों पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। छतरपुर में पुलिस थाने पर हुए पथराव के मामले में फरार आरोपियों पर पुलिस ने 10,000 का इनाम घोषित किया है। हाजी शहजाद अली सहित अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 10 टीमें बनाई हैं। अभी तक इस मामले में पुलिस 36 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों के रिमांड के दौरान कांग्रेस नेता नाजिम चौधरी के घर से 2 अवैध तलवार और मौलाना इरफान चिश्ती के पास से इलेक्ट्रॉनिक सामान मिला है, जिसकी पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। ये 21 तारीख को जो घटना हुई थी थाना कोतवाली में, इसमें तत्काल हमारे द्वारा FIR कर ली गई थी और इसमें इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और अन्य भौतिक साक्ष्य भी एकत्रित किए जा रहे हैं। 36 एक्यूज 36 लोगों को हमने राउंड अप कर लिया है, जिनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। इसमें 2 जो आरोपी थे उनका हमने पुलिस रिमांड भी लिया था, उनके घरों की भी सर्चिंग करी है, जिसमें एक है नाजिम चौधरी जिनके यहाँ से 2 तलवार रिकवर हुई है, और एक थे मौलाना इरफान चिश्ती जी, उनके यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हमने एकत्रित किया है। ये सभी चीज़ें हम उसमें अपनी केस डायरी में संलग्न करेंगे, और जो भी अभी फरार आरोपी हैं, अज्ञात आरोपी हैं, उनके खिलाफ 10,000 रुपये का इनाम SP सर ने अभी कल घोषित किया है, और हमारी टीम लगातार इसमें काम कर रही है, और जो भी अभी फरार आरोपी हैं उनको राउंड अप करने के लिए हमारा प्रयास चल रहा है। विश्वास है जल्दी हम सभी को इसमें। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।